हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का उर्वशी मेकओवर्स में। आज की वीडियो ट्यूटोरियल होने वाला है अबाउट सिंपल सटल डेली समर मेकअप लुक। ऐसा मेकअप जो स्वेटिंग से समर्स में बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, और मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी उसके लिए, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बाउल में ठंडा पानी लेंगे, आप चाहे तो आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ टॉवल या हैंकी से पूरे फेस पर अच्छे से डैब करेंगे। समर्स में ये स्टेप आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा, पोर्स को टाइटन करेगा, और अंडर आई पफिनेस है अगर आपके तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब आप टोनर यूज़ करेंगे। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर। आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग टोनर सेलेक्ट करेंगे। टोनर से दो बेनिफिट होंगे, एक तो समर्स में अगर आपकी ऑयली स्किन है और बहुत ऑयल प्रोड्यूस करती है तो वो उस ऑयल को कंट्रोल करेगी, और ये फेस को बहुत अच्छे से हाइड्रेट भी कर देगा अंदर तक। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ न्यूट्रीजीना का मॉइस्चराइज़र। अगेन आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अपना मॉइस्चराइज़र सेलेक्ट करेंगे। लिप्स को भी इक्वल हाइड्रेशन की जरूरत है, ग्लॉस ना भूलें। अब बारी है प्राइमर की। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ कलर बार का प्राइमर। ऑयली स्किन है मेरी, इस वजह से मैं सिलिकन बेस्ड प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। हम हमेशा अगर हमारा ऑयली स्किन और एक्ने प्रोन है तो डैबिंग मोशन में ही यूज़ करेंगे प्राइमर को, अदरवाइज़ आप सर्कुलर मोशन में यूज़ कर सकते हैं। और फिर फाउंडेशन, मैं यहाँ फिटमी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। टू पम्प्स इनफ होंगे फेस के लिए। समर्स में याद रखें कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करें फेस पर, इससे मेकअप के की होने के चांस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से पानी में सोक करके इसको सेमी ड्राई कर अपने फेस पर डैबिंग मोशन में पूरे फाउंडेशन को ब्लेंड करूँगी। इससे आपका फाउंडेशन वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि स्पॉन्ज डैम्प है तो वो फाउंडेशन को नहीं सोकेगा, और केकी अपीयरेंस भी आपकी मेकअप बिल्कुल भी नहीं देगा। याद रखें स्पॉन्ज को भी डैबिंग मोशन में ही यूज़ करना है। अब मैं अपनी ब्रोज फिल करूँगी। आप चाहे तो आईब्रो पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, मैं पाउडर फिलिंग से ज़्यादा कंफर्टेबल थी तो इसलिए मैंने पाउडर यूज़ किया। दोनों में से जो भी यूज़ करें, याद रखें आईब्रो ओवरफिल ना लगें। अब बारी आ जाती है हाइलाइटनिंग की। याद रखें क्रीमी प्रोडक्ट्स को समर्स में अवॉइड करें, लिक्विड का ही यूज़ करें, ताकि फाउंडेशन ना तो केकी हो, ना ऑयल सिक्रीशंस हो फेस पर ज़्यादा, और ना मेकअप आपका शाइनी या फटाफटा लगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अमाउंट में ही अगेन हाइलाइटर लूँगी। मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ये समर मेकअप है। फिर दोबारा मैं डैम्प स्पॉन्ज लूँगी और उससे ब्लेंड कर दूँगी। मैंने ब्रश पर थोड़ा सा कंसीलर बचा लिया था ताकि मैं अपनी आईब्रोज़ को और भी डिफाइंड दिखा सकूं। इससे आपकी आईब्रोज़ और भी शार्प लुक देंगी, बिना पता लगे कि आपने कंसीलर से उनको शेप किया है। उसके बाद फिर मैं एक फ्लफ़ी आई ब्रश ले रही हूं, और मैं यहाँ पिंक अप्लाई कर रही हूं बिकॉज़ मैंने पर्पल ड्रेस पहना हुआ था। आप अपनी चॉइस और ड्रेस के अकॉर्डिंग कोई भी न्यूट्रल कलर ले सकते हैं, ब्राउन्स ले सकते हैं, मैं यहाँ पिंक फैमिली के ले रही हूँ। तो मैंने सिर्फ एक शेड लिया है और उसको मैं अच्छे से आई पर ब्लेंड कर दूँगी। और याद रहे कि सब कुछ नेचुरल लगना चाहिए, कुछ भी ओवर नहीं लगना चाहिए। आईज़ इनकम्प्लीट लगती हैं विदाउट लाइनर। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ इनसाइट का लाइनर। अगेन आप जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, बट पेन लाइनर से एप्लीकेशन बहुत इजी हो जाता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये पेन आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। इसकी टिप भी बहुत शार्प है तो अच्छा विंग आएगा, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया। अब बारी है ब्लश और कॉन्टोर की। सबसे पहले मैं फेस को कॉन्टोर करूँगी। मैं सिर्फ अपने चीक्स को हल्का सा कॉन्टोर करने वाली हूँ बिकॉज हमें सब कुछ बहुत ही मिनिमम और न्यूट्रल रखना है, और फोरहेड को थोड़ा सा कॉन्टोर करूँगी। अगर आपकी नोज़ मोटी है, मेरी नहीं है इसलिए मैं कॉन्टोर नहीं कर रही हूँ, तो आप नोज़ एरिया को भी कॉन्टोर करेंगे, या डबल चिन है तो नीचे से भी कॉन्टोरिंग करेंगे फेस की। कॉन्टोरिंग पर मेरी सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। उसके बाद फिर आप आ जाएंगे ब्लश पर, और चीक्स पे बहुत ही हल्का पिंक ब्लश अप्लाई करेंगे। इससे बहुत ही नेचुरल सटल लुक आएगा, और आपके मेकअप पे एक रिफ्रेशमेंट भी देता है ब्लश। देन आप लेंगे अपनी पसंदीदा लिपस्टिक। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ शुगर की लिपस्टिक इन द शेड 13, और अगेन सिर्फ एक ही कोट अप्लाई करना इनफ होगा फॉर समर्स, ताकि नेचुरल लगे लुक। एंड आई एम रेडी टू गो, बट
अभी सेटिंग पूरे मेकअप की पेंडिंग है बिकॉज आंखों के नीचे लाइंस विजिबल नहीं होनी चाहिए। समर्स में स्माइल लाइंस और आंखों के नीचे फाइन लाइंस बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो भूलें ना आप पाउडर सेट जरूर करें। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का सेटिंग पाउडर, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, आप बनाना पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी पाउडर है उससे एंड में मेकअप को सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड हियर्स माई फाइनल लुक। ट्यूटोरियल पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। बाय।